आगामी कुछ दिनों में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में गुजरात में सभी पार्टियों की ओर से पूरी ताकत लगाकर प्रचार किया जा रहा है। गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, मगर भाजपा भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गुजरात में जाहिर सभा ले रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि फिर एक बार गुजरात में कमल खिलेगा। हम स्वयं ही ए टीम है और चैंपियन टीम है। चैंपियन टीम कभी बी टीम नहीं बनाती है, तो हारने वाले जो है वो ए टीम बी टीम सी टीम बनाते हैं और हमसे लड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये लोगों के सामने स्पष्ट है। बड़ी नगर हे जे क्षेत्र है, ये हमसे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी यांचं क्षेत्र राहिलेलं आहे। 3 वेळा मणिनगरच्या लोकांनी त्यांना निवडून दिलंय आणि या ठिकाणी मराठी लोक देखील खूप मोठ्या प्रमाणात आहेत, त्यामुळेच आज मला असं वाटतं की अनेक मराठी लोक देखील या ठिकाणी उपस्थित होते, त्यांच्याशी थोडक्यात मराठीत संवाद देखील मी साधलाय। आणि इथला मराठी माणूस असो का गुजराती माणूस असो,